नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कोविड उपचार संबंधी उपकरणों और दवाओं पर GST छूट और कटौती की अवधि सितंबर तक बढ़ाई। फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी और संक्रमण रोधी औषधि टोसिलिजुमैब को GST से पूरी तरह छूट दी गई। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 95.07% हुई। देश में अब तक 24,96,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25,87,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। मिजोरम में लॉकडाउन की अवधि और एक सप्ताह बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 10,870 करोड़ रूपये किया। सऊदी अरब ने कोविड महामारी से निपटने के लिए वार्षिक हज यात्रा को अपने नागरिकों तक सीमित किया। अफगानिस्तान में 2 विस्फोटों में 7 लोग मारे गए। विश्वभर में आज बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में बारबोरा क्रेजिकोवा और अनास्थिया पावलुचेंकोवा का मैच जारी। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं अतहर सईद। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात G7 देशों के शिखर सम्मेलन के ऑनलाइन आउटरीच सत्रों में शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल से कॉर्नवाल में आरंभ शिखर सम्मेलन के लिए श्री मोदी को आमंत्रित किया है। वर्तमान में ब्रिटेन इस समूह का अध्यक्ष है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्व के नेताओं से कोविड महामारी के बाद बेहतर विश्व व्यवस्था बनाने का आग्रह किया है। G7 शिखर सम्मेलन में श्री जॉनसन ने कहा कि 2008 के वित्तीय संकट की गलतियों से सबक लेना और असमानता की समस्या से निपटना आवश्यक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के नेताओं के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 3 दिन की इस बैठक में भाग ले रहे हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने आज कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की मंत्री समूह की सिफारिशों को मोटे तौर से स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि एंटी फंगल दवाई एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवाई टोसिलीजुमैब को अब GST के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर पर GST की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि एंटी कोगुलेंट हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताई गई कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाइयों पर भी GST की दर घटाकर 5% कर दी गई है। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए GST परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने वाले उपकरण और हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते होंगे। इन पर GST की दर 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर GST की दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है। विद्युत और गैस के जरिए होने वाले शवदाह पर GST दर 18 से घटाकर 5% कर दी गई है। GST परिषद ने ये सभी छूट इस साल सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। The period up to August was the recommendation. After discussion in the council, that has been extended to September. So this will be valid till September 30th. ये GST परिषद की 44वीं बैठक थी। पिछले महीने GST परिषद की बैठक के बाद मंत्री समूह का गठन किया गया था। मंत्री समूह ने 8 दिन के भीतर ही रिपोर्ट सौंप दी थी। देश में अब तक 24,96,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 34,33,000 से ज्यादा टीके लगाए गए।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। ये टीके केंद्र सरकार की तरफ से निशुल्क और राज्यों को सीधे खरीद के जरिए प्रदान किए गए हैं। 1 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिन में 10,81,000 वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी। नीति आयोग के स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि 2 कोविड टीकों के बीच के अंतराल में तुरंत कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। डॉ पॉल ने कहा कि प्रतिरोधी क्षमता संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म में किए जाते हैं और वो मैकेनिज्म जो एनटीएजी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, वो इन सुझावों को रिसीव भी करते हैं, वहां एक्सपर्ट्स हैं, ये फैसले फिर पूरी पिक्चर को लेकर किए जाते हैं। तो अभी तक भी किए गए और सिस्टमैटिकली उन्होंने साइंस देखा, सब कुछ देखने के बाद जो राय दी है कि 3 महीने के बाद हमें नेक्स्ट वैक्सीन लगना चाहिए, क्लैरिटी उन्होंने दी। लेकिन अगर और डेटा आता है, सुझाव आते हैं, उसको वो कंसिडर कर सकते हैं। साइंस के जो फैसले हैं, साइंस जो दिखाई देती है और जो कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना होता है, उसको जोड़ के किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने और कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पादन में तेजी लाने की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण करने के लिए सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए टीकों की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। IMF के प्रवक्ता गैरी राइस ने संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण तक लोगों की पहुंच आसान होगी और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकेगी। देश में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल संक्रमित लोगों की तुलना में वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या केवल 3.68% है और इसमें लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में 10,80,000 से अधिक कोविड मरीज हैं। देश में 63 दिन बाद कोविड मरीजों की संख्या 11 लाख से नीचे आ गई है। साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण दर भी कम हो रही है। भारत में लगातार 30वें दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों की तुलना में अधिक रही है। बीते 24 घंटे में 1,21,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 95.07% है। अब तक 2,79,00,000 से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 84,332 लोग संक्रमित हुए हैं, जो कि 70 दिनों के बाद सबसे कम संख्या है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 19,20,000 नमूनों की कोविड जांच की गई। अब तक देश में 37,62,00,000 से अधिक जांच हो चुकी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। हौसले ऊंचे आसमानों के, लड़ना जानते हैं हर तूफानों से, दुश्मनों के इरादों को करके नाकाम, देश की करते रक्षा विमानों से आप भी हिस्सा बनिए देश की जांबाज एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cbse.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में कोविड प्रबंधन के बारे में ढील बरतने के आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि केंद्र सरकार ग्रामीण भारत में प्रभावी कोविड प्रबंधन कर रही है। इसके लिए राज्यों के सक्रिय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है और जन स्वास्थ्य के उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले साल फरवरी से देशभर में लगभग 76,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को मजबूत किया गया है, जिनमें 41 करोड़ 24 लाख लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान किया गया है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि कोविड 19 महामारी के दौरान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों ने जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे कोविड से बचाव हुआ है और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने अर्धशहरी ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में कोविड 19 के प्रकोप को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। इसमें कहा गया था कि सभी जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा टीकाकरण कार्यक्रम में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत घरों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, स्कूल भवनों में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड मृत्यु की संख्या के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दावे का खंडन करते हुए इसे निराधार बताया है। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि ये आंकड़े अपुष्ट हैं और इस दावे के कोई सबूत नहीं है। पत्रिका ने जिन अध्ययनों का अनुमान के तौर पर इस्तेमाल किया है उनको तैयार करने वाली प्रणालियां किसी क्षेत्र या देश में मृत्यु दर का निर्धारण करने के लिए मान्य नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड डेटा प्रबंधन में पूरी तरह से पारदर्शी है और कोविड संबंधी मृत्यु के बारे में पिछले साल मई में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड संबंधी मृत्यु की जानकारी के लिए बनी प्रणाली की लगातार जिला स्तर पर प्रतिदिन निगरानी होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और टीका प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह ने कोविन का डाटा लीक होने के दावे को खारिज किया है। कथित हैकरों ने कोविन ऐप का डाटा हैक करने का दावा किया है। अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉ आरएस शर्मा ने कहा है कि कोविड प्रणाली के डाटा को हैक करने के कथित दावे की जांच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कंप्यूटर आपदा मोचन दल ने की है। डॉ शर्मा ने कहा कि सरकार कोविन से जुड़े लोगों के डाटा सुरक्षित रखने के लगातार उचित कदम उठा रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कोविड उपचार संबंधी उपकरणों और दवाओं पर GST छूट और कटौती की अवधि सितंबर तक बढ़ाई। फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी और संक्रमण रोधी औषधि टोसिलीजुमैब को GST से पूरी तरह छूट दी गई। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 95.07% हुई। देश में अब तक 24,96,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 25,87,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। मिजोरम में लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह और बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 10,870 करोड़ रूपये किया। सऊदी अरब ने कोविड महामारी से निपटने के लिए वार्षिक हज यात्रा को अपने नागरिकों तक ही सीमित रखा। अफगानिस्तान में 2 विस्फोटों में 7 लोग मारे गए। विश्वभर में आज बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में बारबोरा क्रेजिकोवा और अनास्तासिया पावलुचिंकोवा का मैच जारी। मिजोरम के शहरी इलाकों में लॉकडाउन अगले सप्ताह 21 जून सुबह 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में कोविड 19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोविड प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 10 मई को एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया था, जिसे प्रति सप्ताह बढ़ाया जा रहा है। राज्य में सभी बाजार और अंतर जिला आवागमन बंद रहेगा। सिर्फ दुकानें प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगी, जबकि मोहल्लों में साग सब्जी की दुकानें प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक खुलेंगी। सिक्किम में लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश 14 जून सुबह 5 बजे से 21 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। एक रिपोर्ट। 14 जून से 21 जून तक प्रभावी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आवागमन पर आवश्यक सेवाओं के अलावा पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। बागडोगरा हवाई अड्डे और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से यात्रियों को आने जाने की छूट होगी, बशर्ते कि उनके पास यात्रा की टिकट और पिछले 72 घंटे में हुई RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, जिम, सैलून और पार्लर इत्यादि 50% क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। रात्रि का कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। गैंगटॉक से सैकत सरकार और पारिजात शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवप्रकाश मिश्र। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नवनिर्मित कोविड गहन चिकित्सा इकाई, दुर्घटना ट्रॉमा सेंटर और कोविड देखभाल केंद्र का आज उद्घाटन किया। कोविड महामारी से निपटने के नजरिए से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड गहन चिकित्सा इकाई और दुर्घटना ट्रॉमा सेंटर इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान में स्थापित किए गए हैं।
60 बिस्तरों वाला कोविड देखभाल केंद्र पूर्वी इम्फाल जिले के स्टैंडर्ड महाविद्यालय के बहुउपयोगी सभागार में बनाया गया है। इस कोविड देखभाल केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध है। इन केंद्रों का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड टीकाकरण की गति बेहतर है। उन्होंने कहा कि अब तक 6 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने लोगों से टीके लगवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कोविड टीका को लेकर किसी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। ओडिशा में कोविड मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 4,852 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 8,516 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। पिछले 50 दिनों से प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा लोग कोविड संक्रमित पाए जा रहे थे। पिछले 24 घंटे के दौरान 47 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब तक 1,25,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 08046110007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माईगोव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड 19 पर कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ संदीप मिश्रा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टॉल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी को देखते हुए वार्षिक हज यात्रा लगातार दूसरे वर्ष अपने नागरिकों और निवासियों के लिए सीमित कर दी है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा है कि हज यात्रा में केवल 18 से 65 वर्ष के वही व्यक्ति भाग ले पाएंगे जो टीका लगवा चुके होंगे और गंभीर बीमारियों से मुक्त होंगे। संबंधित मंत्रालय ने कहा है कि मक्का में हज यात्रा के लिए अधिकतम 60,000 हाजियों की संख्या तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्री तावफिक अल राबिया ने कहा कि यह फैसला हज यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि टीके की उपलब्धता के बावजूद कोरोना वायरस के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है और कुछ देश व्यापक संक्रमण का सामना कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सप्ताह भर तक चलने वाली हज यात्रा में तकरीबन 25 लाख लोग भाग लेते हैं। आधिकारिक तौर पर हज यात्रा से सऊदी अरबिया को प्रतिवर्ष 12 अरब डॉलर की आय होती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 10,870 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है। ये राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन में 4 गुना बढ़ोतरी है। केंद्र ने वर्ष 2019-20 में 1,206 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 2,571 करोड़ रुपए कर दिया गया,
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी पिछली बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को नल के जरिए पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए उत्तर प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। समीक्षा बैठक के दौरान श्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल कनेक्शन देना सुनिश्चित करेगी। जल शक्ति मंत्री ने राज्य से जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने और इस साल उत्तर प्रदेश में 78 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य को इस साल 60,000 से अधिक गांवों में जलापूर्ति परियोजनाओं और योजनाओं पर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू करने की भी सलाह दी। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त अनाज की आपूर्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सदस्य को प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस साल मई और जून के लिए आवंटित पूरा अनाज उठा लिया है। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी, अंतर्राज्यीय परिवहन और वितरक के लाभ सहित वितरण का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। मुंबई के नजदीक कल्याण में रेलवे की महिला कर्मचारियों ने मालगाड़ी के डिब्बों का गहन परीक्षण किया। यह पहला अवसर है जब सेंट्रल रेलवे में एक ऐसे दल ने इस तरह का परीक्षण किया हो जिसमें सभी महिलाएं ही शामिल थीं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रयास के लिए इन महिलाओं की प्रशंसा की है। कोविड चुनौतियों के बावजूद रेलवे आपूर्ति श्रृंखला को गति से जारी रखते हुए आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामग्रियों का परिवहन करता है। प्रत्येक ट्रिप के बाद टेक्नीशियनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर मालगाड़ियों का परीक्षण किया जाता है ताकि तकनीकी समस्या की वजह से इनकी गति बाधित न हो। मध्य रेल पर 8 जून को पहली बार कल्याण गुड्स यार्ड में मालगाड़ी की गहन परीक्षण के लिए महिला टीम का गठन किया गया। इस टीम को स्टील लोडिंग के खाली वैगनों के गहन परीक्षण के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया था। इस 10 सदस्यीय महिला टीम ने अंडर गियर, एयर ब्रेक टेस्टिंग, अंडर फ्रेम्स और अन्य संबंधित मरम्मत का काम किया। उनके द्वारा रेक का गहन परीक्षण 4.5 घंटे के भीतर पूरा कर लिया गया और अगले ट्रिप के लिए फिट बनाया गया। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पारंपरिक प्रथा दरबार मूव कोविड से उत्पन्न स्थितियों के कारण इस साल नहीं होगी। एक रिपोर्ट। जम्मू में सर्दियों के महीनों के दौरान और श्रीनगर में गर्मियों के दौरान सचिवालय के कार्य करने की प्रथा जो महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1872 में जम्मू कश्मीर के मौसम की स्थिति के कारण प्रारंभ किया गया था को इस वर्ष कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अभूतपूर्व प्रकोप और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपरांत जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित नहीं किया जा सका। हालांकि इस वर्ष जम्मू कश्मीर में दरबार मूव के इतिहास में पहली बार फाइलों और अन्य कार्यालय अभिलेखों को ई ऑफिस के माध्यम से दोनों सचिवालयों के बीच स्थानांतरित करके निस्संदेह अनावश्यक परिवहन पर किए जा रहे खर्चे को बचाया जा सका। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। अफगानिस्तान में पश्चिम काबुल में आज बसों में हुए दो धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के अनुसार ये धमाके उन इलाकों में हुए जहां हजारा समुदाय के लोग अधिक रहते हैं। इन इलाकों में इस महीने के शुरू में बस पर हुए हमले में 12 नागरिकों की मौत हो गई थी। काबुल के पुलिस प्रवक्ता बसीर मुजाहिद ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 6 लोग घायल भी हुए हैं। अभी ये साफ नहीं हो सका है कि हमले के पीछे किसका हाथ है। इस्लामिक स्टेट पिछले कुछ समय से हजारा समुदाय को निशाना बनाकर कई हमले कर चुका है। अफगानिस्तान से 11 सितंबर से विदेशी सेनाओं की वापसी के बाद हिंसा की घटना बढ़ गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिक मारे गए हैं। आतंकवादियों ने जिले के सोपोर शहर के मुख्य चौक के निकट सुरक्षा बलों के संयुक्त दल पर आज दोपहर बाद गोलियां दागी। आतंकवादियों के इस हमले में 4 लोग घायल भी हो गए, इनमें 2 आम नागरिक हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस वर्ष का विषय है अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जारी यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है।
पिछले चार सालों में यह संख्या 84 लाख बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की थी ताकि दुनिया भर में बाल श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और इस समस्या के समाधान के उपाय तथा प्रयास किए जा सकें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए नई प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने लोगों से कहा है कि वे बच्चों को शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि वे ऐसी सभी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करें जिनके विनिर्माण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाल श्रमिक काम करते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेक गणराज्य की बारबरा क्रिजिकोवा का मुकाबला रूस की अनस्तासिया पावलुचेंकोवा से चल रहा है। 31वीं वरीयता प्राप्त अनस्तासिया पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले अब तक चार ग्रैंड स्लैम में हिस्सा लेने वाली बारबरा चौथे चरण से आगे नहीं पहुंच सकी थी। उधर पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर एक नोवाक जोकोविच ने पिछले विजेता और 13 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन राफेल नडाल को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कल फाइनल में उनका मुकाबला ग्रीस के स्टिफानोस सित्सिपास से होगा जो पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। अब जबकि टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में 50 से भी कम दिन रह गए हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज विशेष ओलंपिक श्रृंखला में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम वर्ग में भारत की उम्मीद मुक्केबाज विकास कृष्ण की। ओलंपिक में मुक्केबाजी में देश के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में इस बार देश के 9 मुक्केबाजों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है जिनमें 4 महिलाएं हैं और 5 पुरुष शामिल हैं। 10 फरवरी 1992 को हिसार हरियाणा में जन्मे विकास एक अनुभवी फाइटर हैं जिनका 10 साल से अधिक का शानदार बॉक्सिंग करियर है। 2010 के एशियाई खेलों और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। विकास कृष्ण ने 2012 में लंदन में पहली बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विकास विजेंदर सिंह के बाद देश के दूसरे मुक्केबाज हैं जिन्होंने तीसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल किया है। विकास 2016 के रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और ओलंपिक में पदक जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। विकास ने बताया कि अपने पिता के प्रोत्साहन की वजह से ही उन्होंने मुक्केबाजी में कदम रखा। बॉक्सिंग मेरे फादर की एक चॉइस थी, वो चाहते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में डाला था 2001-2002 में। और जब मैं सोचने के लायक हुआ तो जब ये मेरा ड्रीम हो चुका था ताकि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। विकास ने अपने प्रशिक्षण और पिछले ओलंपिक अनुभव को लेकर बताया, अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ सिक्स लाइन के अंदर, अब मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और पिछली जो गलतियों से मैंने सीखा है चाहे वो डिफेंस का हो चाहे वो अटैक का हो, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट को मैंने अब सुधारा है। पूरे देश की शुभकामनाएं विकास कृष्ण के साथ हैं और उम्मीद है कि वो टोक्यो ओलंपिक में पदकों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकृष्ण मठ के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद जी महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। स्वामी शिवमयानंद जी का निधन कल हुआ था, वे कोरोना से संक्रमित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात आरएसएस के पूर्व प्रमुख अमृत भाई कादीवाला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कोविड उपचार संबंधी उपकरणों और दवाओं पर GST छूट और कटौती की अवधि सितंबर तक बढ़ाई। फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी और संक्रमण रोधी औषधि टोसिलिजुमैब को GST से पूरी तरह छूट दी गई। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 95.07% हुई। देश में अब तक 24,96,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25,87,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। मिजोरम में लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ाई गई।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 10,870 करोड़ रुपए किया। सऊदी अरब में कोविड महामारी से निपटने के लिए वार्षिक हज यात्रा को अपने नागरिकों तक ही सीमित रखा। अफगानिस्तान में 2 विस्फोटों में 7 लोग मारे गए। विश्वभर में आज बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में बारबोरा क्रेजिकोवा और अनस्तासिया पावलोचेंकोवा का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।